जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। माँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए जम्मू के कटरा से साईं छत तक हेलीकॉप्टर राइड की सर्विस मिलती है, जिसमें बहुत से श्रद्धालु बहुत ही कम समय में वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि माता वैष्णो देवी यात्रा में हेलीकॉप्टर का कितनी बार एक्सीडेंट हो चुका है और कितनी लोगों की जाने जा चुकी हैं? तो आज यही जानकारी होगी कि आज तक माता रानी के दरबार में हेलीकॉप्टर कितनी बार क्रैश हुआ है। जुलाई 1988 में साईं छत में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि पायलट को मिलाकर एक हेलीकॉप्टर में 7 लोग तक बैठ सकते हैं। 30 जनवरी 2001 को सेना का चेतक हेलीकॉप्टर सांझी छत में क्रैश हुआ था। 30 दिसंबर 2012 को कटरा में हुए पवन हंस हेलीकॉप्टर क्रैश में ब्रिगेडियर रमन सहगल, 2 पैरा कमांडो, 1 पायलट और को पायलट समेत 5 लोगों की मौत हुई थी। 23 नवंबर 2015 में जम्मू के कटरा में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। यह हेलीकॉप्टर वैष्णो देवी श्रद्धालुओं को लेकर जा रहा था। तो अब तक माता रानी के यहाँ 4 बार ही हेलीकॉप्टर से एक्सीडेंट हुआ है और 2015 के बाद कोई भी हादसा नहीं हुआ है। और हम यही प्रार्थना करेंगे कि आगे भी कोई हादसा ना हो। और अगर आप भी यही चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।